बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, थैंक यू। जी बेटा, हमारा प्री प्राइमरी वन उर्दू का लेक्चर स्टार्ट होने लगा है। आज हम पहले लेक्चर अपना स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस काम किया था उसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। चलें, आप टीचर के साथ दोबारा मिलकर उसको रीड करें। ओके बेटा, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना। चले टीचर के साथ मिलके टीचर को बताएं ये क्या है। वेरी गुड, डंडा। ये कल हम लोगों ने रीड किया था ना, ड का फ्रेंड, डंडा डंडा डंडा। वेरी गुड, वेल डन। एक और भी ड का फ्रेंड था हमारे पास, उसको भी रीड करते हैं। ओके लुक हियर, अब इसको टीचर के साथ आप दोबारा से रीड करें। डिब्बा 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 डिब्बा। वेरी गुड, वेल डन। ऊंची आवाज में रीड करेंगे टीचर के साथ, आपको इतनी अच्छे से बेटा याद हो जाएगा। वाओ, नेक्स्ट देखें, डायनासोर। रीड करें टीचर के साथ मिलके, डायनासोर 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 डायनासोर। ये भी ड का फ्रेंड है, डायनासोर, और इसके शुरू की आवाज भी क्या है, ड। डायनासोर डायनासोर। वेरी गुड, वेल डन। अभी हमारे पास ड का एक और फ्रेंड भी अभी बाकी है, चले उससे भी मिलते हैं और उसको भी दोबारा से रीड करते हैं। ओके लुक हियर, डाकिया 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 डाकिया। वेरी गुड, वेल डन। अच्छे से आप रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा सा रीड हो जाएगा और भूलेगा नहीं बेटा फिर आप लोगों को। डाकिया डाकिया डाकिया। ये भी ड का फ्रेंड है और इसके शुरू की आवाज़ भी क्या है, ड। डाकिया डाकिया डाकिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको इनके फ्रेंड ड के साथ मिलके रीड करते हैं। ओके चले, अब देखें ड के फ्रेंड टीचर ने ड के साथ रख दिए, अब हम इनको दोबारा से रीड करते हैं। ओके लुक हियर, ड डाकिया ड डाकिया ड डाकिया। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट देखें ड का कौन सा फ्रेंड है हमारे पास, ड ड डायनासोर ड डायनासोर ड डायनासोर। वेरी गुड, वेल डन। टीचर के साथ आप रीड करते रहे जब तक टीचर आपको रीड करवा रही है। नेक्स्ट देखिए ड का फ्रेंड, ड डिब्बा ड डिब्बा ड डिब्बा। वेरी गुड, वेल डन। ओके अब और फ्रेंड रीड करते हैं ड का, ड ड डंडा ड डंडा ड डंडा। ओके वेरी गुड, वेल डन। चलें अब हम बुक पे देखते हैं आज कौन सा लेक्चर हमारा है। ओके लुक हियर, आज हम बुक के इस पेज पे काम करेंगे, लेकिन बुक पे काम करने से पहले टीचर आपको वाइट बोर्ड पे एक एक्टिविटी करवाती है, उसके बाद हम बुक पे काम करेंगे। चलें लेट्स गो। ओके स्टूडेंट्स, चलें वाइट बोर्ड पे पहले हम काम करते हैं, उसके बाद बुक पे काम करेंगे। देखिए आज की डेट 3 दिसंबर, और सबसे पहले हमें क्या करना बेटा, आई कैन रीड करेंगे ब एंड बाबी एंड फैमिली इन दिस पिक्चर। मिला लियो मिला लियो मिला लियो। ओके अगेन भी मिला लिए मिला लिए मिला लिए। आगे वाला आइकन देखें, डॉट पर ब बनी हुई है, नीचे ब के नीचे डॉट और पेंसिल से हम इसको इसके ऊपर पर पेंसिल फेर लें। आइकन को रीड करें, आइकन को जब आप गौर से देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये कौन सा आइकन है। पेंसिल फेर लिए पेंसिल फेर लिए पेंसिल फेर लिए। अगेन नेक्स्ट देखें, एक बॉल बनी हुई है कलरफुल से और उसमें हम क्या कर रहे हैं, रंग भर दिए। ये कौन सा आइकन हो गया, रंग भर दिए रंग भर दिए रंग भर दिए।
आज हम इधर तीन काम करेंगे, मिलाइए, पेंसिल फेरिए, रंग भरिए। चलिए अब हम इसको द, दी साउंड इज दिस, द द द द। ओके बेटा, दोबारा से द को टीचर के साथ रीड करें, द द द द के ऊपर टोपी, द के ऊपर टोपी। अब हमें क्या करना है इस पेज पे, सबसे पहले हम मिलाइए का आइटम करेंगे, द को इनके फ्रेंड के साथ मैच करेंगे। ओके लुक हियर, देखते हैं द के इस पेज पे कौन कौन से द के फ्रेंड है, उनको हमने द के साथ मैच करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास क्या है, वाओ हमने लिख दिया वर्ड बेटा, डंडा डंडा डंडा। अब मुझे बताइए डंडा की शुरू की आवाज क्या है, आप बताओ मैं बोला डंडे की शुरू की आवाज क्या है, ड। वेरी गुड, ड ड डंडा। क्या डंडा ड का फ्रेंड बनेगा, यस वेरी गुड, वेल डन। अब हम इसको लिख सकते हैं और इसका फ्रेंड बनाते हैं, ड डंडा ड डंडा ड डंडा। वेरी गुड, ये ड का फ्रेंड है, हमने इसको मैच कर लिया। कभी आप लोगों की किसी की पिटाई हुई है डंडे के साथ, वाइट बैट बॉल खेलते हैं डंडे के साथ। चलो अगेन रीड, इसका ड का फ्रेंड कौन सा है, अगेन रीड, ड डंडा ड डंडा ड डंडा। और टीचर के हेल्प में क्या मतलब है, डंडा। वेरी गुड, वेरी गुड, ड डंडा ड डंडा। आगे देखिए हमारे पास कौन सा फ्रेंड है, देखते हैं ये डर का फ्रेंड है कि नहीं। यस लुक हियर, डॉक्टर डॉक्टर। आप सारे बच्चे तो इससे वाकिफ होंगे ना, आजकल आप लोग बहुत डरते हैं ना डॉक्टर के पास जाने से, इंजेक्शन लगा देता है। डॉक्टर 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 डॉक्टर, ये डर का फ्रेंड है। देखते पहले सबसे डॉक्टर के शुरू के बाद क्या है, जे में कोई में आपने सीखी थी ना शुरू के बाद। चलिए मुझे बताएं, आप बताओ शहजाद, डॉक्टर की शुरू के पास क्या है, ड। वेरी गुड, वेल डन। डॉक्टर की शुरू के पास क्या है, ड। क्या ये डर का फ्रेंड है, कौन बताएगा जी, रुकिए आप बताओ। यस वेरी गुड, वेल डन, ड डॉक्टर ड डॉक्टर। हम इसको ड का फ्रेंड बना देते हैं, दोबारा से रीड करें, ड डॉक्टर ड डॉक्टर ड डॉक्टर। और आगे देखिए हमारे पास कौन सा क्या है, वाओ लुक हियर, फाख्ता 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 फाख्ता। क्या ये डर की फ्रेंड बनेगी, नहीं इसकी फाख्ता की तो शुरू के पास डर लगी ही नहीं, ये डर है ही, तो हम इसको डर की फ्रेंड नहीं बनाएंगे, इसको छोड़ देंगे, डिलीट कर देंगे। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, वाओ लुक हियर, नाश्ते में आप लोग खाते हैं ना डबल रोटी, डबल रोटी डबल रोटी डबल रोटी डबल रोटी। अब कौन बताएगा टीचर को जी, अयाना बताएं डबल रोटी की शुरू की आवाज क्या है, ड। वेरी गुड, ड डबल रोटी ड डबल रोटी। अब कौन बताएगा कि ये ड का फ्रेंड है कि नहीं, रिदा आप बताओ बेटा। यस वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा आपने बताया, ड डबल रोटी। क्योंकि बेटा ड डबल रोटी की शुरू के पास भी ड है और हमारे पास साउंड भी ड है, ये इसका फ्रेंड है, ड डबल रोटी। अब हम इसको मैच कर देते हैं, ड डबल रोटी ड डबल रोटी। ओके अब देखिए आप लोग, ये हमारा काम इस पे कंप्लीट हुआ, हमने इसको मैच कर दिया। अब दोबारा से जो इसके फ्रेंड है, हम दोबारा से रीड करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह पता चल जाए इस पेज के दस के फ्रेंड कौन कौन से हैं। चलिए फिर के साथ दोबारा लिखते हैं, द डंडा द डंडा द डंडा। ओके वेरी गुड, वेल डन, द डॉक्टर द डॉक्टर द डॉक्टर। और देखिए आगे डर का कौन सा फ्रेंड है, इसको भी रीड करें, ड डबल रोटी ड
डबल रोटी. अगर आपको इनके ब्रांड अच्छे से याद हो जाएंगे तो आप जल्दी से मैच कर लेंगे. ड डबल रोटी, ड डबल रोटी. ओके, अब इस पेज पे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा काम है. नेक्स्ट आइटम है हमारा पेंसिल फेरिए. पेंसिल फेरिए. अब हम क्या करेंगे बेटा, ड को अच्छा सा ट्रेस करेंगे. छोटा पेंसिल और डॉट फॉलो द एरो. ड इसको हमने अच्छा सा ट्रेस करना है डॉट के ऊपर ऊपर. ओके, डॉट का पेंसिल रखे और इसको ट्रेस करें और साथ में आपने इसको रीड भी करना है. ड ड ड स्लो स्पीड में बेटा आपने ट्रेस करना है पेंसिल शॉर्प करके. हाथ आपके साफ सुथरे हों, गीले भी ना हो. और हमने ड को 3 times ट्रेस करना है. अगेन ट्रेस, डॉट का पेंसिल रखे और आराम आराम से इसको हमने ट्रेस करना है. जो डॉट बने हुए हैं वो हमें नजर ना आए, वो पेंसिल की लाइन के नीचे छुप जाए. और इसको इधर स्टॉप कर देना है, बाहर नहीं आना चाहिए. अगर ये बाहर आ गए यहाँ तक तो फिर नंबर डिटेक्ट होते हैं. ओके, इसको रेज कर देना. अगेन ट्रेस, द द द द द द द. वेरी गुड, वेल डन. अब हमने द की टोपी को ट्रेस करना है बेटा. टोपी के ऊपर भी डॉट बना हुआ है. इधर यहाँ पे हम अपनी पेंसिल रखेंगे. दोबारा से टीचर आपको बता रही है कि पेंसिल का टिका हमने चेक करना है. ये ना तो पेंसिल का टिका बहुत मोटा है और ट्रेसिंग अच्छी ना. इसको आप टॉपिक को हमने स्लो स्पीड में डॉट के ऊपर ऊपर आराम आराम से ऐसे यहाँ तक नीचे तक ट्रेस करना है. यस, अब क्या करना है, अब यहीं से हमें पेंसिल उठाए बगैर ऊपर जाना है. यस, अब टॉपिक की शेप बनानी है. ओके, दोबारा से देखें टीचर कैसे ट्रेस कर रही है. सारे बच्चे इसी स्टाइल में ट्रेस करेंगे. डॉट पे पेंसिल रख के टोपी को यहाँ नीचे तक लेके आएंगे, फिर यहीं से ऊपर दोबारा जाएंगे और यहाँ पे टोपी की शेप बनानी शुरू करेंगे. ओके, अब हमने ड को ट्रेस कर लिया. ड को ट्रेस नहीं हो गया. अब देखिए अभी कौन सा आइटम हमारे पास आ रही है. अब कौन सा काम हम इससे करेंगे. अभी हमारे पास आइटम रंग भरिए. रंग भरिए. अब हमें क्या करना है, इस पेज में हमने ड के ट्रैक सारे बना दिए. ड को मिला दिया पेन के साथ. अब ड को ट्रेस भी कर दिया. अब हमारी नेक्स्ट जो एक्टिविटी है आप बड़े मजे से करते हैं उसको. नीट एंड क्लीन कलर करने हैं आप लोगों ने. जैसे डंडा है, डंडे में आपने क्या करना बेटा, पहले इसकी आउटलाइन करेंगे. अगर आउटलाइन इस तरह करेंगे तो कलर बाहर ही निकलेंगे. सारे डंडे की इस तरह आउटलाइन करने के बाद फिर आपने इसके अंदर फिल करना है कलर. ओके, नीट एंड क्लीन कलर होने चाहिए, बाहर बिल्कुल ना निकले. जो बच्चे आराम से स्लो स्पीड में कलर करेंगे उनके बहुत नीट होंगे. नेक्स्ट डंडे में कलर करने के बाद नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास डर का कौन सा फ्रेंड है. नेक्स्ट है जी हमारे पास द डॉक्टर. डॉक्टर में हमने डॉक्टर में भी इसी तरह अच्छे से कलर करेंगे. पहले आउटलाइन बनाएंगे फिर इसके अंदर कलर करेंगे. नीट एंड क्लीन कलर होने चाहिए आप लोगों के. द डॉक्टर, इसी तरह पूरे डॉक्टर में हम कलर करेंगे. और कलर करते हुए आपने इसको मिशन से रीड करना है. जितनी देर डॉक्टर में कलर करने उतनी देर आप इसको रीड करना है. द डॉक्टर, द डॉक्टर, द डॉक्टर. वेरी गुड. ये देखिए पापा, ये डर का फ्रेंड नहीं है. हमने इसको बेटा मैच भी नहीं किया. अब हमने क्या करना है, इसमें कलर नहीं करना है. ओके, इसको ऐसे नीचे कर देना, छोड़ देना. सिर्फ वो मैंने काम चेक किया था आप लोगों का, सारे पेज में आप कलर कर देते हैं. उन्हीं में कलर करने होते हैं जो फ्रेंड होते हैं, जिनका हमने मैच किया होता है. नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है. ड का फ्रेंड है ड डबल रोटी. ड डबल रोटी. अब हमने डबल रोटी में भी इसी तरह आउटलाइन, सबसे पहले आउटलाइन करते हैं. आउटलाइन किए बगैर कलर नहीं शुरू करना. आउटलाइन करने के बाद फिर आपने आप एंड आउट डायरेक्शन में कलर करने. नीट एंड क्लीन, कलर बाहर ना निकले आप लोगों के. ओके, और जब तक आपने पूरी डबल रोटी में कलर करना है आपने इसको क्या करना है, मिसल से रेड करना है. ड डबल रोटी, ड डबल रोटी, ड डबल रोटी. ओके बेटा, अब हमने क्या किया, इस पेज पे सारे काम हमारे हो गए. पूरे आइटम डो को मिला दिया, डो को ट्रेस किया और इसमें कलर भी टीचर ने आपको बता दिए. ये एक्टिविटी हमारी मुकम्मल हुई. चले अब पे काम स्टार्ट करते हैं.
चलो बेटा ये देखें, ये हमारा बुक का पेज है जिस पे काम आज हमने स्टार्ट करना है, इस पेज पे आज हम काम करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, आइकन रीड करते हैं कि कौन कौन से आइकन है। मिलाइए मिलाइए मिलाइए, नेक्स्ट आइकन पेंसिल के लिए, पेंसिल के लिए। आगे देखें रंग भरिए और यहाँ पे आज की डेट लगानी बेटा आप लोगों ने, ठीक है। और हमने व्हाइट बोर्ड पे एक्टिविटी की थी ना, बी साउंड इज दिस, ये कौन सा साउंड है, ड ड ड, ये साउंड आपको अच्छी तरह आएगा तो आप इसके फ्रेंड ना सर्च करके फिर ही आप इसको मैच कर पाओगे, ड ड। चलिए इसके फ्रेंड लिख सकते हैं ड डंडा ड डंडा, बुक वालों ने इसको मैच भी किया हुआ है, डंडे के शुरू के बाद भी क्या है ड, ये इसका फ्रेंड है, बुक वालों ने आपके आसानी के लिए इसको मैच कर दिया, ड डंडा ड डंडा। अब टीचर भी आपके सामने इसको मैच करती है, ड डंडा ड डंडा ड डंडा, वेरी गुड। नेक्स्ट देखें पाठ का, ये ड का फ्रेंड नहीं है, हमें इसको लिमिट कर देना, इसको छोड़ देना, इसको मैं इसका फ्रेंड नहीं बनाना। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, डॉक्टर, डॉक्टर की शुरू के पास क्या है ड, यस वेरी गुड, ये भी ड का फ्रेंड है, ड डॉक्टर ड डॉक्टर, इसको भी हम ड के साथ मैच कर देंगे, ड डॉक्टर ड डॉक्टर ड डॉक्टर। ओके नेक्स्ट देखिए जेवर, जेवर ये भी इसकी शुरू के बाद भी ड नहीं है तो ये भी इसका फ्रेंड नहीं होगा, इसको भी छोड़ देंगे, डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डब रोटी, डब रोटी डब रोटी, डब रोटी की शुरू के बाद क्या है ड, यस वेरी गुड, इसको भी हम ड का फ्रेंड बना देंगे और मैच कर देंगे, ड डब रोटी, यस वेरी गुड, ड डब रोटी। चलिए अब हमने क्या किया है, ड के सारे फ्रेंड बना लिए, अब हम इनको दोबारा से एक दफा रीड करते हैं, ड डंडा ड डंडा ड डॉक्टर ड डॉक्टर ड डब रोटी ड डब रोटी ड डब रोटी, यस ये काम हमने इस पे कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास आइटम क्या है, पेंसिल खेलिए, पेंसिल खेलिए। अब हमने क्या करना है बेटा, ड को ट्रेस करना है, अच्छा चलिए टीचर के साथ देखें जो कैसे ट्रेस कर लिया, पुट अ पेंसिल ऑन ड्रॉ एंड फॉलो द एरो, ड ड आपने बेटा बिल्कुल स्लो स्पीड में करना है ट्रेस, ड यस थ्री टाइम ट्रेस करना है, दोबारा से ट्रेस करें, ड ड ड ड यस, एक दफा और ताकि पूरे डॉट चुपचे स्लो स्पीड में ट्रेस करें और लेटर के अंदर अंदर, ड ड ड और इसकी टॉपिक ट्रेस करते हैं, वैसे बिल्कुल डॉट पर पेंसिल रखें और स्टार्ट तक पहले नीचे तक आए, यस अब पेंसिल उठा लेंगे इसी तरह ऊपर जाए, वेरी गुड, इसी तरह आपने ऊपर जाके आहिस्ता आहिस्ता इसकी टॉपिक की शेप बनानी, इसको भी आपने पेंसिल के टिप शॉर्प में लगाइए, टू टाइम इसको टू टाइम ट्रेस करें, चलिए बिल ट्रेस ड के ऊपर टोपी, ये नीचे तक आए दोबारा से ऊपर चले, यस हम टोपी की शेप बनाए, वेरी गुड वेरी डन, ड ड के ऊपर टोपी, ड के ऊपर टोपी, ये देखें हमारी ड की ट्रेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब देखें हमारे पास, हमने इस पेज पे अपने बुआ के इसका काम कर लिया, मिला लिए ड के फ्रेंड के साथ इनको मैच कर दिया। नेक्स्ट आइकन है हमारे पास पेंसिल के लिए, हमने ड को कितना अच्छा सा ट्रेस कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट आइटम क्या है, रंग भरिए, अब हमने क्या करना है इसमें कलर करने हैं बहुत अच्छे से, जैसे जो ड का पेन है डंडा ड का पेन है, हम डंडे में कलर करेंगे, पहले बहुत नीट और क्लीन डंडे की आउटलाइन करेंगे बेटा, और जब तक हमने कलर करते रहना है इसको रीड करते रहना है, ड डंडा ड डंडा ड डंडा, इस तरह आउटलाइन करने के बाद हमने इसको फिर अंदर से फिर कर देना है। इसी तरह अब ड का नेक्स्ट ट्रेन है हमारे पास डॉक्टर, अब डॉक्टर में कलर करेंगे, ड
डॉक्टर में कलर करें, सब डॉक्टर को इसी तरह आपने आउटलाइन करनी है। सबसे पहले आउटलाइन करने के बाद नीट एंड क्लीन कलर करना है इसमें भी डॉक्टर, और इसको रीड करते रहना है डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। नेक्स्ट देखिए मेरे पास क्या है, इसको जब तक डॉक्टर में हमें कलर करें इसको रीड करते रहना ताकि अच्छे से आपको रीड हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डबल रोटी डबल रोटी डबल रोटी। अब हमने डबल रोटी में भी अच्छा सा कलर करना है। अब पहले आउटलाइन करेंगे डबल रोटी की, आउटलाइन करने के बाद इसको आप अच्छा से पूरी डबल रोटी में कलर करना है और इसको रीड भी करते रहना है। द डबल रोटी द डबल रोटी, मुंह बंद करके कलर नहीं करने बेटा आप लोगों ने, द डबल रोटी द डबल रोटी। वेरी गुड वेरी गुड, पूरी डबल रोटी में कलर करने के बाद अच्छे से आपने डंडे में कलर करना है, डॉक्टर में, डबल रोटी में, आपका बुक में आप कलर हो गए सारे। और अब इसको दोबारा से अच्छे से लिखना है, द डंडा द डॉक्टर द डबल रोटी। वेरी गुड, अब आपने क्या करना है इसको इस पेज पे आज आप लोगों ने भी कलर करना है, इसको मैच करना है, ट्रेस करना है और कलर करवा के टीचर को व्हाट्सएप पे इस पेज की पिक सेंड कर देनी है। ठीक है, आपने कलर करते हुए बेटा जरूर रीड करना है। ओके, ये था आज का हमारा लेक्चर, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।